क्या कहता है कानून। नौकरानियों के हालात को सुधारने के लिए सरकार ने कई बार कोशिश की, जिसके तहत नौकरानियों को कामगार का दर्जा देने के लिए जरूरी परिभाषा प्रस्तावित की गई है। घरेलू कामगार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसा कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसे नकद या फिर किसी अन्य रूप में किए जाने वाले भुगतान के एवज में किसी घर में काम करने के लिए सीधे या फिर एजेंसी के माध्यम से बहाल किया जाता है, चाहे ये बहाली स्थायी हो या अस्थायी, अंशकालिक हो या पूर्णकालिक, उसे घरेलू कामगार माना जाएगा। नौकर नहीं कामगार। दरअसल घरेलू कामकाज में सहायक नौकरों की लड़ाई समाज की सोच को बदलने की है। इन लोगों की लड़ाई नौकर या नौकरानी की नहीं, बल्कि खुद को कामगार स्वीकार करवाने की है। कामगार से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके काम का तयशुदा मोल हो। कामगार का दर्जा हासिल होते ही उन्हें वैधानिक तौर पर कई सुविधाएं मिल सकती है। मसलन जिस जगह वो काम करे वहाँ काम के घंटे, वांछित काम का रूप, उनसे जुड़ा जोखिम और हर्जाना समेत वहाँ होने वाले तय भुगतान की बात सुनिश्चित हो सके। जाहिर है ये सब अधिकार मिलने के बाद नौकर नौकरानियों के साथ किया जाने वाला बुरा बर्ताव और मनमानी करने की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस बारे में ना तो कोई ठोस नियम है और ना ही कानून। यही वजह है कि आज भी नौकरानियों का शोषण बरकरार है। सामाजिक सुरक्षा कानून। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 लागू किया, जिसमें घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया। साथ ही कुछ और कानून हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून, मुआवजा देने से संबंधित कानून, समान भुगतान से संबंधित कानून और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1967। ये कानून घरेलू कामगारों के हक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन कानूनों के बावजूद अभी तक ऐसे ठोस नियम नहीं बनाए गए हैं जिन्हें समान रूप से पूरे देश में लागू किया जा सके, जिसके जरिए घरेलू कामगारों के कामकाज के हालत बेहतर हो सके, उन्हें अपने काम का सही भुगतान मिल सके और वे खुद को सुविधाओं के मामले में दूसरे कामगारों के बराबर मान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़।